वाराणसी में निकाय चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई है। नगर निगम बेलूपुर में मंगलवार से नगर निकाय के चुनाव के मद्देनजर पर्चा दाखिल होना प्रारंभ हुआ। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पर्चा भरा जा सकता है। इसी क्रम में नगर निगम के उपनगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद से बात करने पर उन्होंने बताया कि पर्चा 17 अप्रैल तक भरा जाना है और हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया ढंग से चल रहा है, चाहे वो नो ड्यूज हो या और भी कुछ। वहीं नसीरपुर से आए श्याम भूषण शर्मा ने आरोप लगाया कि हमने लगभग 100 लोगों का नाम जोड़ने को दिया था जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल 20 या 30 लोगों का नाम जुड़ा है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के ऊपर आरोप लगाते हुए इसकी तत्काल सुनवाई हो और संस्था के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। इसी क्रम में पहले दिन ही सुसवाही के प्रत्याशी गुड्डू पटेल और नसीरपुर के प्रत्याशी भी अपना अपना नामांकन करने आए। उन्होंने बताया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हमने भी कुछ लोगों का नाम जोड़ने को दिया था मगर कार्यदायी संस्था अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। उन्होंने अपने अपने एरिया के लोगों को आश्वस्त भी किया है कि इसके पहले जैसे जनता ने इन्हें विजय बनाकर भरोसा दिखाया था, इस बार भी ये कसौटी पर खरे उतरेंगे। इन्होंने जनता से पुनः जिताने की मांग की है। स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत अधिसूचना जारी हो गई है, आचार संहिता लग चुकी है। उसी क्रम में 11 से लेकर 17 तक पार्षदों का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे यहाँ नोड यूज के बाद जो है नामांकन फार्म की बिक्री हो रही है। बिक्री स्मूथली चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये 17 तक चलेगा। इसका समय है 11 बजे से 3 बजे तक और ये 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक रहेगा। अपना पर्चा लेने, जो पर्चा खरीदने आए हैं और जो भी NOC वगैरह बनवाना है उसको हम लोग बनवाने के लिए यहाँ पर जोनल कार्यालय पर आए हुए हैं। सारी व्यवस्था ठीक है कि कहीं? नहीं, व्यवस्था सारी ठीक है, सारा सिस्टम, सारे टेबल लगे हुए हैं और सारी व्यवस्था ठीक है और सबको आराम से पर्चा भी मिल जा रहा है, NOC भी मिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ काम सब सुचारू रूप से अधिकारी सब लगे हुए हैं। कुछ लोगों का शिकायत है कि नाम नहीं कहा। जी, टोटल लिस्ट में बहुत लोगों का नाम छूटा हुआ है जो प्रॉपर वे में लोग नहीं चढ़ाए, फॉर्म जमा किए हैं फिर भी नाम नहीं आया। अब प्रशासन से तो यही निवेदन है कि यदि पुनः एक बार उनका जिनका नाम नहीं चढ़ा है यदि चढ़ा दें तो बहुत इन लोग का आभार होगा।